नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। जब कुछ बढ़िया तीखा सा तरी वाला स्पाइसी खाने का मन करे ना, तो ये सोयाबीन की सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते समय एक जो दिक्कत आती है कि इसमें जो मसाला है, जो ग्रेवी है, अंदर तक नहीं जाती है, तो उसके लिए एक छोटी सी टिप हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। आई एम श्योर कि आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए ना, पहले आप मेजरमेंट अपने हिसाब से सोयाबीन ले लें। अब सोयाबीन को मैं ना बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि बॉईल करने से अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही जल्दी 1 से 2 मिनट में ना उबाल आते ही ये एकदम बढ़िया बॉईल हो जाती है, नरम हो जाती है। इसका पानी हमें निकाल कर फिर अलग कर लेना है। अब बारी है मसाला बनाने की। तो 2 यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे लहसुन, अदरक ले लेना है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में लेंगे, और हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये जो हरी मिर्च है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है, वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जस्ट नॉर्मल स्पाइसी वाली है, तो उसे लेना है और अच्छे से इस मसाले को पीस लेना है। अगली प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई में तेल डाल लेंगे, 2 प्याज को इस तरह से चॉप कर लेना है, और अब हम इसे इस तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को ना हमें यहाँ पे अच्छी तरह से भूनना है, ताकि मसाले में किसी भी तरह का ये कच्चापन सा ना लगे। तो अच्छी तरह से थोड़ा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इस तरह से प्याज को भून लेना है। देखिए, धीरे धीरे प्याज जो है हल्का सा यहाँ पे ना गोल्डन ब्राउन सा होने लगा है। अब मैं इसमें ये जो मसाला हमने पीसा था, तो उसे ऐड कर दूँगी। तो इस मसाले को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। जब पूरा मसाला आपका ऐड हो जाए, तो इसे अच्छी तरह से चला लेना है, और इस मसाले को प्याज के साथ हमें अच्छे से भूनना है। ध्यान रहे यहाँ पे कि प्याज तो हमारा थोड़ा सा पक चुका है, लेकिन मसाला अभी हमारा कच्चा है, सो इसीलिए इसे हमें थोड़ा सा कवर करते हुए, थोड़ा सा इसको निकालते हुए इस तरह से ना भूनने में थोड़ा समय देना है। और जैसे जैसे हम मसाले को भूनेंगे, तो तेल देखिए ऊपर की ओर आने लगेगा। अब डाल देना है इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्ची और हल्दी। मिर्च का इस्तेमाल आप यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे ना बढ़िया से ग्रेवी में ना तेल यहाँ पे आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा मात्रा में ही मैं यहाँ पे ना इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि जो ग्रेवी है वो यहाँ पर अच्छे से पक सके। और ये देखिए, जब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो अब मैं इसे कुछ देर के लिए कवर करके ज़रूर पकाऊँगी। सो ये लीजिए, ढक्कन हटाते ही यहाँ पे मुझे ग्रेवी का एकदम बढ़िया सा कलर दिखाई दे रहा है। अब बारी है इसमें नमक ऐड करने की। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी स्वाद अनुसार, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला लगभग 1 चम्मच जितना ही। दोनों ही चीज़ों को हमें यहाँ पर ना अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से ग्रेवी में आप देख सकते हैं कि बढ़िया से तेल जो है ऊपर आने लगा है। तो अब बारी है हमें इसमें पानी ऐड करना होगा। तो पानी जो है वो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 कप जितना ऐड कर रही हूँ, ताकि जब मैं इसमें सोयाबीन वड़ी डालूँ, तो अच्छी तरह से वो उसमें मिक्स हो सके। सो बस इस तरह से पानी डालकर आपको कुछ देर के लिए यूँ पका लेना है, और फिर इसके बाद सोयाबीन वड़ी को अच्छी तरह से निचोड़ते हुए, स्क्वीज़ करते हुए आपको इस ग्रेवी में डाल देना है। स्क्वीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अंदर तक अच्छी तरह से इसमें जो है मसाला जा सके। तो ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद आप इसे यूँ इस तरह से ना मिक्स कर लीजिएगा। कुछ कवर करते हुए भी आप इसे 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हमारी ये पक चुकी हैं। तो बस अब बारी है इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डालेंगे, कुछ हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा कवर करते हुए दोबारा से मैं इसे पकाऊंगी, और बस मेरी ये प्रोसेस क्लियर होती है। अब छोटी सी ट्रिक मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रही हूँ कि जो चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैं क्या करती हूँ, इसे कढ़ाई में ना इस तरह से सोयाबीन वड़ी को प्रेस करती हूँ, ताकि यदि इसमें पानी जो होता है बॉयल करते समय, वो निकल कर अंदर तक इसमें ग्रेवी जा सके। तो देखिए, कई बार ना यही दिक्कत आती है कि जब हम सोयाबीन वड़ी खाते हैं ग्रेवी में, तो ना उसमें ग्रेवी अंदर तक नहीं जाती है, पानी सा थोड़ा फ्लेवर आता है। तो ये छोटी सी ट्रिक जब आप इस्तेमाल करके ना सोयाबीन वड़ी को एक बार ट्राई सच में ना ज़रूर कीजिएगा, तो आप खुद देखिएगा, जब आप सोयाबीन वड़ी को ना जब रोटी से जब आप इसे हटाएंगे, तो अंदर तक आपको इसमें ना ग्रेवी दिखाई देगी। तो बस एक यही छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे, जो हमारी सब्ज़ी के टेस्ट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगी, और सब्ज़ी आपकी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसी आप इसे खाना चाहते हैं। सो देखिए, मैंने तो सर्व करने के लिए अब अपनी सब्ज़ी को बाउल में डाल दिया है। तो फटाफट से ना बिल्कुल आज ही इस सब्ज़ी को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।